स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो अपने आज का ये वीडियो सभी रेल यात्रियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी रेल यात्रियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो पूरा जरूर देखें। तो फाइनली फ्रेंड, अभी तक जो हमारे पास अपडेट था न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जो रेलवे का सॉफ्टवेयर है IRCTC की वेबसाइट और रेल क्वेंट एप्लीकेशन, मतलब एक साथ इसमें 5 लाख यूजर आईडी कनेक्ट हो सकते हैं तत्काल के समय में। लेकिन फिर आपने देखा होगा आज लमसम एक महीने से लॉगआउट की प्रॉब्लम हो रही है, सर्वर अनबीचेबल आ रहा है जैसे ही 11 बज रहा है। इसी में हालांकि ठीक ठाक चल रहा है लेकिन 11 बजे ही इनका जो एप्लीकेशन है वर्क करना बंद कर दे रहा है और वेबसाइट भी वर्क करना बंद कर दे रही है। तो फाइनली फिर रेलवे ने बोला कि अब हमें इसमें मेंटेन करने की ज़रूरत है, हमने एक साथ, मतलब उनको उनका कहना है कि जब स्टार्टिंग में नई नई वेबसाइटें बनी थी IRCTC की 2014-15-16 के आसपास, तो उस समय एक साथ 50,000 यूजर आईडी IRCTC की वेबसाइट और रेल क्वाइंट एप्लीकेशन पर एक साथ कनेक्ट करके ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे। लेकिन उसके बाद हमने इसको अपग्रेड करके 2021 और 2022 में एक साथ 5 लाख यूजर आईडी हमने इसमें कर दिया। लेकिन उनका कहना है कि लगातार डिजिटल बढ़ावा, मतलब लगातार ऑनलाइन जैसे ट्रेन टिकट की बुकिंग हो रही है वैसे वैसे पर्सनल यूजर आईडी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में यूजर आईडी का यूज करके तत्काल टिकट बुक किया जा रहा है। उनका कहना है कि हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे इशू आ रहे हैं, इसलिए दोस्तों IRCTC की वेबसाइट और जो रेल क्वाइंट एप्लीकेशन है इसको एक बार फिर से अपग्रेड कर दिया जाएगा। मतलब जो 5 लाख यूजर आईडी एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं उसमें भी दोस्तों मतलब कम पड़ रहा है, मतलब वो उसके वजह से जो एक साथ 5 लाख से ज़्यादा यूजर आईडी एक साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं जिसके वजह से अनबल टू प्रोसेस और ट्रांजेक्शन इरर का सर्वर देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप जब भी कस्टमर केयर से बात करेंगे तो उनका भी यही कहना आएगा कि सर एक साथ भारी मात्रा में यूजर आईडी एक ही साथ कनेक्ट होते हैं जिसकी वजह से लॉगआउट की प्रॉब्लम या सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फाइनली फ्रेंड में रेलवे ने बोला कि बहुत जल्द IRCTC की वेबसाइट और रेल क्वाइंट एप्लीकेशन को हम फिर से अपग्रेड करेंगे और इसमें इसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मतलब अभी करेंट टाइम में एक साथ 5 लाख यूजर आईडिया जो कनेक्ट हो सकती थी अब वो इसको लिमिट और बढ़ाई जाएगी। तो फ्रेंड हो सकता है जब रेलवे इसकी लिमिट बढ़ाएगी तो हमें जो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है जो 11 बजे ऑटोमेटिकली सर्वर अनविचुअल आ रहा है फिर लॉगआउट किया जा रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों आज का समय ऐसा हो गया कि रेल टिकट बुकिंग बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, रेलवे ने इसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है और जब से मार्केट में यूट्यूब आया तब से लोगों ने सीख सीख के खुद से मोबाइल से ट्रेन टिकट बुक करना चालू कर दिए। इसके वजह से दोस्तों जैसे ही 11 बज रहा है ऐसे भारी मात्रा में एक साथ यूजर आईडिया कनेक्ट हो रही है IRCTC की वेबसाइट और रेल क्वाइंट एप्लीकेशन पर। लेकिन दोस्तों इसमें एक लिमिट रखा गया 5 लाख, रेलवे ने बोला है दोस्तों अप टू 5 लाख की हमने लिमिट रखा है। लेकिन दोस्तों कई बार 5 लाख यूजर आईडिया भी एक साथ कनेक्ट नहीं हो पाती जिसकी वजह से सर्वर इशू ऑटोमेटिकली लॉगआउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो फ्रेंड फिर से इसको अपग्रेड किया जाएगा और ज़्यादा आईडिया, मतलब अब रेलवे और इसकी लिमिट बढ़ाएगी ताकि ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में छोटी सी अपडेट देने वाला था लेकिन दोस्तों बहुत ही यूजफुल अपडेट रहेगी क्योंकि काफ़ी समय से बहुत से रेल यात्री को ये प्रॉब्लम हो रही थी, उसका सॉल्यूशन एक्चुअल में नहीं मिल पा रहा था। तो उसकी सबसे बड़ी सॉल्यूशन रेलवे बोली इसका लिमिट बढ़ाना, मतलब एक साथ अब ज़्यादा यूजर आईडी कनेक्ट होंगे तो ही जो लॉगआउट या फिर सर्वर अनविचुअल का प्रॉब्लम आ रहा है ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड बहुत जल्द रेलवे की तरफ से फिर से अपग्रेड किया जाएगा सिस्टम और रेलवे बोली है दोस्तों लगातार हमें सिस्टम अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों कोई भी वेबसाइट होगा उसका ज़्यादा अगर यूज हो रहा है तो मेंटेनेंस उसमें बहुत ज़्यादा मांगता है। और आपने देखा होगा दोस्तों जो IRCTC की रेल क्वाइंट एप्लीकेशन है वो एक एक महीने तक रेलवे उसको अपडेट ही नहीं देती है। अब उनका मेन मकसद है दोस्तों लिमिट बढ़ाना, मतलब एक साथ ज़्यादा यूजर आईडी कनेक्ट हो सके ताकि ये प्रॉब्लम देखने को ना मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में बस छोटी सी अपडेट बताने वाला था क्योंकि दोस्तों बहुत समय से ये सॉल्यूशन लोग मांग रहे थे और एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा था। अब दोस्तों जब वेबसाइट अपग्रेड होगी तब पता चलेगा इसका सॉल्यूशन यही है कि कुछ और है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।